एक छोरा बस अड्डे पर खड़ा और एक बुढ़ा सारा आन लग गया। आने के बोला, अरे सतीश का है के? बोला ना। अच्छा भाई, थोड़ी आने पास बस आ गई, बस में चढ़ लिए। बस में चढ़ती हैं, वो छोरा एक ओढ़ हो लिया, वो बुढ़ा फिर सारा से आने लग गया। बोला बेटे सतीश का है के? बोला ना तऊ कोई न। वो छोरा और दो चार डंग गल ने सरक लिया, बुढ़ा फिर सारा जा लग गया। बोला बेटे तू सतीश का है के? वो ना डटा। बोला हाँ। बुढ़ा बोला लागता तो कौन है? एक ससुराड़ी डगर गया और उसका साला फौजी, और फौजी आदमी भाई साहब ने कदा पैग लिया बिना तो तुमने जाने मानते कौन है। और भाई उस साले ने उसका एक गिलास अच्छा बढ़िया उसका ही बैठा दिया। उन्हें भी तीतर से उठते दिखे सांझ के एक गिलास में लोपटी सा हो गया। और भाई वो खा पी ली रोटी और उसका नशा उतरिया नहीं। फिर थोड़ी अनपात से वो लिया एक शीशे के गिलास में दूध गाल की। इब शीशा गिलास खाकड़ने उसने जिंदगी में देखा नहीं, पहली बार देखने ला रहा। दूध आर पार दिखाऊँ के माँ के? उनका साला बोला ले रिश्तेदार दूध पी ले। उसने देखा नहीं शीशे गिलास का, नहीं दूध आर पार दिखा दौड़ा। उन्हें फिर आख्या मारा बना से बन गया तो दूध न्यू। बोला अरे देखा के है दूध पी ले रिश्तेदार? बोला अरे दूध तो पी लें पर जो कोई ने तू क्या में गालते ला न्यू किन गुद्दी पकड़ रहा है इसकी। एक गांव में एक बुढ़े का पोता हो गया और दसवें दिन पर उसने प्रोग्राम करवा दिया। शास्त्रीय संगीत का रसिया मानस था वो, और उसने एक शास्त्रीय संगीत का गायक बुला लिया। और उड़े रिश्तेदारी माँ भी एक बुढ़ा और आ रहा तो सन वो प्रोग्राम चल गया। और वो शास्त्रीय संगीत वाला जो गायक था वो गाने लग गया। वो रिश्तेदारी माँ तो बुढ़ा आ रहा था, बोला भाई तेरा गाणिया मरेगा? खोजी ने करवा रखा था। बोला न्यू क्यों कर मरा? बोला देख लिए मरिया पाओगा थोड़ी आन मयो। बोला जब तुमने क्या बेरा पाटे किस तरह मरेगा भाई न्यू? बोले भाई हमने नहीं जान, दस मिनट आधे है यो मरा ये मरे। बोला जब किस तरह? बोला बस देख लिया हिसाब किताब, पाछली सार मारा काटड़ा मरिया था न्यू ए रीक रीक। के है पुराना टेम में बड़ा पड्डे लिखे कम मानस होते थे, पढ़ने के साधन ही से थे नहीं। इब तन्यू है भाई गाम गल प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में बड़ी बड़ी सेवा चलेगी। तो वो एक खाकड़ कोई पुराना बख्ता में चौथी पांचवीं ता ही जा रहा था, और उसके घना कोई हिसाब किताब था नहीं। एक दो तो छटोरी रट रहा, एक दो अप्लीकेशन अंग्रेजी में छुट्टी आई। वो अप्लीकेशन छुट्टी गिर वह अंग्रेजी में वह छटोरी थ्रस्टी करो गिर वह फोक्स एंड ग्रैप्स की। उन गांव में जब कोई भी बात हो उन खाकड़ उड़े पांचर ठोक दे उनकी। गांव में पंचायत है कल जोटियाँ की और यूँ उड़े वो खड़ा होगी बीच में। बोला वंश देर वाजे थ्रस्टी करो, ई वॉज वेरी थ्रस्टी, सो आई कैन नॉट कम टू इन योर स्कूल, आई बैक टू से दैट आई एम इल। इब गांव में बात यह पूरी हवा खंड रही छोरी कि भाई इस तो बाद अंग्रेजी जाननिया है नहीं गाँव में आज के दिन। भाई बड़ी हवा फैल रही भाई, कोई भी काम हो गांव में पहले मुझने बुला भाई छोरे ले आओ वो के मैं सुलझड़ा करेगा। और जो एक वो अंग्रेज घूमता घूमता दिल्ली तो वो गांव में आ गया। गांव में आ गया तो वो लग गया हाउ हाउ करण, हे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस विलेज, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। इब गांव वाले के तो भाई तोते उठ गए। बोले भाई यो तो कोई और डाल कर रहा था, नहीं करो अपना ले आओ वो काट करो अंग्रेजी में बतलाओ। अरे वो भी अंग्रेजी में जवाब देगा जब बने की बात। कोई ने लिया ढूंढ बाड़की ने लिया के कर दिया श्यामी खड़ा। बोले ले बतला यो रहा, हे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। बोला सर वंश देर वाज ए थ्रस्टी करो, ई वॉज वेरी थ्रस्टी, ही फ्लू हियर एंड देर इन सर्च ऑफ वाटर, सो आई कैन नॉट कम टू इन योर स्कूल, आई बैग टू से दैट आई एम इल। यह बात कहती है अंग्रेज ने उसका मुंह पर बड मारा थप्पड़। थप्पड़ मारती गांव वाले भी दौड़े होगी भाई मारे वाले तो कोई गलती बन गई के भाई। वो एक दो ने एक ओढ़ने लगे। बोला अरे के बात क्या बात पर मारा? बोला कुछ नहीं। बोला यो तो न्यू को है गदे इतनी अंग्रेजी जानन ला रहा तू अड़े के करे मारे देश में चाले।